अगर वापस मैं बोलूं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या था? वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज, कहां से? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट से किसी उस पॉइंट ए तक लेके आने, जो उस पॉइंट तक लेके आने, राइट? अगर आपको याद हो, रेफरेंस के लिए फिगर मैंने ड्रॉ किया था, इस पे 10 कूलम चार्ज बनाया था और बोला भी था ऐसा कुछ चार्ज होता नहीं है, बहुत लार्ज चार्ज है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिख रखा है मैंने। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ये 1 कूलम चार्ज मैंने दिखाया था आपको और बोला था आप इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक आओ, राइट? इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक आओ, तो जो वर्क डन 1 कूलम चार्ज पे लगेगा वो पॉइंट ए का पोटेंशियल था, राइट? बट जब मैं कहता हूं इनफाइनाइट से, हमको भी मालूम है इनफाइनाइट से कोई नहीं आने जाने वाला, राइट? हम तो क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, राइट? जैसे कल आपको मैं एक बैटरी दे दूंगा, ये सेल होगा आपका, ठीक है? ये सेल होगा, जब आप इसको वायर से ज्वाइन करोगे तो चार्ज इसमें फ्लो करेगा, कहां से कहां फ्लो करेगा? इस पॉइंट से फ्लो करेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ कोई इनफाइनाइट तो नहीं जा रहा है, राइट? ना इनफाइनाइट से मुझे चार्ज लाने जाना है ना पहुंचाने जाना है, मुझे क्या करना है, एक पॉइंट से दो पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे जाना, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, इफ आई से यू हैव टू मूव 1 कूलम चार्ज, कहां से? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो भी तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइट नहीं जा रहा, नॉट मूविंग टू इंफिनिटी, इंस्टेड ए से ही बी लेके आना है, किसको लेके आना है? प्लस 1 कूलम चार्ज, तो वर्क तो करना पड़ेगा, वही वर्क आपका ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वापस बोल दूं, इस बार मुझे इनफाइनाइट से पॉइंट तक नहीं आना है, इस बार मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। डेफिनेशन वैसे ही चलेगी, बस इनफाइनाइट से पॉइंट ए की जगह मैं बोलूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी, राइट? तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज बिटवीन दोस टू पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखो आप, मैं अब पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच चुका हूं। हमारे चैप्टर में पोटेंशियल वर्ड सुनने बहुत कम मिलेगा, इनफैक्ट नहीं मिलेगा, बार बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट? सो बार बार आपसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कही जाएगी, वो कहेंगे आपको कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ऐसा लिखा होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया होगा, नॉट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। पोटेंशियल की भी बातें होती हैं, बट वो हायर सिलेबस में, 12th जब पहुंचोगे आप तो वहां पे आपको बताएंगे ये 20 वोल्ट पे है, ये 30 वोल्ट पे है, तो आपको समझना है कि डिफरेंस 10 वोल्ट का, अभी आपको सीधा डिफरेंस दिया रहा था, तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो, मार्केट में से एक सेल लेके आते हो, आप मार्केट जाओगे, मार्केट में शॉपकीपर को बोलोगे मुझे 12 वोल्ट का सेल चाहिए, तो वो एक सेल निकाल के देगा आपको जिसमें दो टर्मिनल्स होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है या नेगेटिव, तो ये समझ लो कि ये हायर पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, उन दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है आपको। रिमेम्बर, हाँ, जब आप मार्केट जाओगे और मार्केट में बोलोगे मुझे 12 वोल्ट का सेल चाहिए, तो वो 12 वोल्ट क्या है, वो एक सेल देंगे आपको जिसके दो टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, या ये कह लो ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, मुझे नहीं मालूम इसका कितना, बट ये हायर है, ये लोअर है, और मुझे जो 12 वोल्ट बताया गया वो एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस है। हो सकता है ये 0 हो, ये 12 हो सकता है, ये 10 हो, ये 22 हो सकता है, ये 5 हो और ये 17 हो, कुछ भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट इनके डिफरेंस से रहेगा। जब आप मार्केट में जाके 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल बोलते हो, तो वो एक सेल निकाल के देता है जिसके टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है,
वो ये कितना है मुझे पता नहीं, ये कितना है मुझे पता नहीं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.5। ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने बोल दिया 12 वोल्ट का सेल है तो ये दोनों टर्मिनल्स का डिफरेंस 12 वोल्ट, राइट। तो बार बार बोल रहा हूं मैं कि पोटेंशियल वर्ड बहुत कम यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा यूज होता है, स्पेशली 10th में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट मैटर्स, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए मुझे पोटेंशियल की जरूरत थी, तो हमने पोटेंशियल भी डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी आर इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए, एक पॉइंट ए मार्क किया, एक पॉइंट बी मार्क किया, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको समझना क्या है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही +1 कूलम चार्ज आपको यहां से यहां लेके आना है। कहां से? यहां से ए से बी लेके आना है, और जो वर्क आप करोगे इसको यहां से यहां लाने में वो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक्सप्रेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, भले आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं लिखूं, अगर तो मैं ऐसा लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सपोज बिटवीन ए एंड बी, मैं ऐसा लिखूं। ये सिंबल भी आपको नहीं याद रहा तो आप भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ए और बी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो इसको मैं चाहे तो हटा देता हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल्ड नहीं होता, वो 12th में लगेगा आपको। मैं सिर्फ इतना लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है। तो आप किसी से कोई पूछे आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का। अगर SI यूनिट की बात करूंगा तो वो अब भी जूल पर कूलम ही रहेगी, दैट इज वोल्ट ही रहेगी। जो पोटेंशियल की यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, क्लियर है। तो SI यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। देन पोटेंशियल डिफरेंस मुझे समझ में आ गया क्या होता है, क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। देन नेक्स्ट इज, भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखने जा रहा हूं मैं, पाथ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आगे चल के आप कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें समझाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता नहीं। सपोज करो ये है 10 वोल्ट पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है समझो 2 वोल्ट पे रखा है, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, बिटवीन ए एंड बी इज 8 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? पहला कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे, इफ 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम B टू A, 8 जूल वर्क हैज टू बी डन, 8 जूल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। आई रिपीट,
किसी ने मुझसे कहा ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, मुझे नहीं मालूम किसी ने इसका पोटेंशियल मेंटेन कर रखा 10 वोल्ट पे क्यों है कैसे नहीं मालूम, इसका पोटेंशियल किसी ने बोला 2 वोल्ट, मैंने देखा भाई डिफरेंस 8 वोल्ट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो पहला कंक्लूजन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर 1 कूलम चार्ज आपको यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ से 1 कूलम चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, 8 जूल वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पहला स्टेटमेंट लिखूंगा, एंड वर्क ऑफ 8 जूल इज नीडेड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ थ्रू विच चार्ज इज टेकन पर कूलम अगेंस्ट, वर्क ऑफ 8 जूल इज नीडेड पर कूलम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ थ्रू विच चार्ज इज टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है करंट तो उनने पोटेंशियल सॉरी पैरेलल पढ़ा होगा, ये पॉइंट दिया होगा ये पॉइंट दिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान ना दे, अगर पढ़ा है तो एक बार देख लो। जैसे कोई बोलता है ना यहाँ से यहाँ जाना है पैरेलल पाथ, एक ये रास्ता है जाने का, एक ये रास्ता है जाने का, एक ये रास्ता है जाने का, 3 रास्ते दिखाए आपको, तो वहां पे आपको इन पाथ को बोलते हैं पैरेलल पाथ, ये पैरेलल पाथ है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना था, 8 वोल्ट। इस फिगर में मैंने डिफरेंस कितना दिखाया था, 8 वोल्ट का डिफरेंस है। उसका मतलब क्या है, +1 कूलम चार्ज आप यहां से लेके चलो, इस रास्ते से आओ तो भी 8 जूल वर्क करना पड़ेगा, सीधा आओ तो भी 8 जूल वर्क करना पड़ेगा, ऐसे आओगे तो भी 8 जूल वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए जिसने पहले पढ़ रखा होगा पैरेलल वाला कंडीशन, तो वहां लिखा होगा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो क्यों होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे टर्म पोटेंशियल मिलेगी। यहाँ पे पोटेंशियल 1 सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल 2 था, यहाँ पे पोटेंशियल 10 था, दोनों का डिफरेंस 8 था। आप 1 कूलम चार्ज यहाँ से लेके आओ, यहाँ लेके आओ, ऐसे लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, आपको 8 जूल्स वर्क ही करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भले ये चीजें थोड़ी बड़ी लेवल की हैं, आपको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत भी हो, बिकॉज ये 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बट स्टिल आई रिकमेंड कि अगर आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैंने बोला है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए 1 कूलम चार्ज को आपको 8 जूल्स वर्क करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, चाहे ऐसे लाओ चाहे ऐसे लाओ चाहे ऐसे लाओ चाहे कैसे भी लेके आओ, आपको वर्क 8 जूल ही करना पड़ेगा, राइट। सो दिस कंक्लूड्स माय टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए, राइट। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। सो आई विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनसेट आई विल यूज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो I'll frame few questions, you try to solve and then I'll solve. Suppose this point A and this point B. Point A is maintained at 10 volt and point B is maintained at minus 5 volt always. Point A is maintained at A volt. In the above figure, this is question. In the above figure, point A and B are मेंटेन्ड, कैसे मेंटेन किया वो मुझे मतलब नहीं, बैटरी लगा के या कुछ तो किया होगा उन्हें, आर मेंटेन्ड एट +10 वोल्ट एंड -5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बताना है आपको। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का,
ओरल ऐसे फाइव नो डिफरेंस फाइव कहाँ देख टेन टेन तो मजाक कर रहे हैं टेन फिफ्टीन तीन वोल्ट है फिफ्टीन वोल्ट इस डिफरेंस ये टेन है ये जीरो है ये टेन ऊपर है ये माइनस फाइव फाइव नीचे है तो फिफ्टीन वोल्ट का डिफरेंस है ना कैलकुलेट वर्क डन If in moving 4 coulomb charge, 4 coulomb charge from B to A along shortest path, ये shortest path है सीधा, तो along shortest path along shortest path निकालो मुझे चार कूलम मूव करना है कहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आपको वर्क डन निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ में लेके आ रहा ऐसा सीधा लेके अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स अगेंस्ट वर्क डन डू इट बड़ा ओरल से क्वेश्चन है फटाक से आंसर आना चाहिए सर 60 जूल 60 जूल इज आंसर व्हाई वर्क डन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखोगे तो दैट वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पूछा है तो क्यू इनटू वी चार्ज आप चार कूलम लेके गए पोटेंशियल डिफरेंस आपका 15 वोल्ट था तो 60 जूल इज वर्क डन द आंसर 60 joule is answer. Now, if I change a question, if I write a question, 10 raised to 20 electrons are transferred or moved from A to B. Calculate work done in doing so. 10 raised to 20 electrons मैंने निकाले हैं कहां से पॉइंट ए से यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं एक एक करके तो कंडक्टर होगा शायद सो 10 raised to 20 electrons आर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यहां से यहां इरिटेट कर रहा है So point A से point B electrons move करने कितने electrons हैं 10 raised to 20 electrons are moved from point A to point B you have to calculate work done in doing so याद करो कैसे करते थे एक electron के लिए कितना charge होता था ये कितना होगा तो work done कितना होगा do it सर 15 नो सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है ना चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कौन सा फॉर्मूला होता है एक इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट चार्ज इज 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस 19 charge on one electron is 1.6 एक इलेक्ट्रॉन मूव करने से 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम चार्ज जाता है तभी मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, और आपने कितने चार्ज मूव किए हैं? 10^20 इलेक्ट्रॉन्स. सी हियर, देयरफॉर चार्ज ऑन 10^20 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? साइन अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं फिलहाल, तो 10^-19 इनटू 10^20, ये 10 बचा, तो 16 कूलम. तो बेसिकली यू हैव मूव्ड 16 कूलम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. वर्क डन कितना होगा? देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग 10^20 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी इज, डिफरेंस था 15 वोल्ट का और ये 16. आंसर हुआ 240 जूल्स. इम्पॉर्टेंट है ये सब, अच्छे से सोचो. ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की फील दिलाएगा और आगे भी आपके काम आएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट दिया हुआ है. I said 10^20 electrons were moved from point A to point B. So what you have to understand is, one electron carries this much charge, 10^20 electrons carry this much charge. So यहाँ से यहाँ एक कूलम को लाना है तो 15 वोल्ट का डिफरेंस, 16 कूलम लेके आना, 15 into 16 जूल, इतना वर्क डन होगा. तो 240 जूल इज वर्क डन. क्लियर है? ओके. No. जैसे yes. ये तो शॉर्टर पाथ था, शॉर्टर पाथ था. अभी मैं ये लॉन्गर पाथ लेके आ रहा हूं. ये सपोज पाथ वन था, दिस इज पाथ टू. तो जब आप कितना चार्ज पिछले बार मूव करा था आपने? 4 कूलम. आपने 4 कूलम किससे मूव किया था? पाथ वन से. तो वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम अलोंग पाथ वन वॉज कितना आया था? 60 जूल्स. क्वेश्चन इज वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज along longer path, ये जो second path है, उसमें जो work done आएगा, वो कितना होगा? 60 से ज्यादा होगा, 60 से कम होगा, 60 के equal होगा, कितना होगा? 60 से ज्यादा होगा, equal होगा. क्यों equal होगा? क्योंकि electric force का work done, हाँ, electric force का work done path पे depend ही नहीं करता. आप किसी भी रास्ते से आओ, यहाँ से सीधा आओ, ऐसे घूम के आओ, ऐसा जाओ, ऐसे जाके वापस ऐसा आओ, कुछ भी करो आप, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, तो वर्क डन उतना ही रहेगा. क्लियर है? सो वर्क डन ड्यू टू वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज अलोंग एनी पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल रिमेन 60 जूल. सेम ही आने वाला है. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Okay. Please read, revise whatever I have taught till now. आपको लग रहा होगा कि ये बुक में नहीं दिया, शायद इंपॉर्टेंट ना हो, सर ऐसे टाइम पास पढ़ा रहे. बट अगर आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. राइट? सो इनको अच्छे से रिवाइज करो. नेक्स्ट क्लास में मेन चैप्टर पे हम लोग एंटर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर. राइट?